हेलो जमीगोज, मजेदार बातों के जरिए बायोलॉजी और साइंस की दुनिया में घुसने की कोशिश करेंगे। बुलाया तो है मैंने तुमको ये बोल करके कि सबसे ज़्यादा महंगी ड्रग बताऊंगा, लेकिन वो बताने के साथ साथ आइडिया ये नहीं है कि बस ड्रग बताना है, आइडिया ये है कि तुमको पकड़ करके एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट तुम्हारे तक पहुँचाने हैं दो तीन, ठीक है। तो दो ड्रग की बात करेंगे। एक ड्रग का जो खर्चा पड़ने वाला है वो तकरीबन 110 करोड़ 150 करोड़ इतना पड़ेगा इलाज का, ठीक है। और जो दूसरी ड्रग हम डिस्कस करने वाले हैं उसका जो है 16 करोड़ पड़ेगा। अंतर क्या है, ये पूरी ज़िंदगी लेते रहना पड़ता है शरीर के अंदर में, और ये 16 करोड़ का एक इंजेक्शन लेंगे काम हो जाएगा बेहतरी। तो इन दो के ऊपर आज हम जिक्र करेंगे। ड्रग है जो है वो आपकी सोलोरिस कंपनी जो है बना रही है, वो आपकी एक्यूलजुमैब। अब ठीक है, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, ये बताओ कि क्या ट्रीट कर रहा है और इतनी महंगी आखिर क्यों है। शुरुआत करते हैं यहाँ से कि भाई आपको जितने भी ये जो पेज आपको जब भी नज़र आता है, जिस पेज को मैं बनाता हूँ और जिस पेज से हम डिस्कशन करते हैं, वो पेज का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उस पर जाकर के इन लिंक्स वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साइंस की दुनिया में बगैर रेफरेंसेस के अगर आपने बात की तो विश्वास पात्र नहीं बनेंगे आप। अब इस PDF के अंदर में दिया हुआ भैया कितनी ड्रग्स लेनी होती है, कितने टाइम पर लेनी होती है, तो वही कैलकुलेशन उठाया तो देखा कि भैया कितनी वायल्स लगेंगी लोगों को 900 mg की, इतने mg की, इतने mg की। तो पता चला कि पहला साल में जो है तकरीबन 2.2 करोड़ रुपए लग जाएंगे, और 2 करोड़ रुपए लग जाएंगे, और अगर आप 50 साल तक ये ड्रग लेकर के ज़िंदा रहना चाहते हैं तो तकरीबन 110 करोड़ रुपए लग जाएंगे। और इसी की कैटेगरी में एक और ड्रग है जो कि थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है यही, और वो 150 करोड़ रुपए आपको पड़ जाएगी पूरी ज़िंदगी अगर आप उसको लेना चाहते हैं। आइडिया क्या है, ये देखिए भाई, डिजीज़ का नाम है पैरेक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया। नेचर वीडियोस बड़ा ही बेहतरीन चैनल है, लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगा, उसके ऊपर बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है। आइडिया ये है कि भैया हमारे शरीर के हर एक सेल के ऊपर में, NCERT में भी दिया हुआ है कि हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रेंड है, ये देखता है कि क्या सेल्फ है और क्या नॉन सेल्फ है। और जब सेल्फ अपनी ही चीज़ों को परेशान करने लगता है या पहचान नहीं पाता है तो उसको हम आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में उसको डाल देते हैं। बड़ा बेसिक सी बात, इसके अंदर में भी वही हो रहा है। आपकी फैक्ट्री है बोन मैरो के अंदर में, जहाँ पर आपको आपकी RBC बनानी होती है, लेकिन RBC के ऊपर 10 तरीके के प्रोटीन भी होते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल हैं वो घूमते रहते हैं और पूछते हैं कि दिखाओ भाई तुम हमारे ही शरीर के प्रोटीन हो, ज़रा वो प्रोटीन दिखाओ। तो वही प्रोटीन जो है इस पर्टिकुलर केस के अंदर में नहीं बन पाता है, और नहीं बन पाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे सेल्स पे एक्ट कर जाता है, RBC इसको फोड़ने लगता है, सारी RBC फटने लगती हैं, रात के वक्त में ज़्यादा फटती हैं, तो नॉक्टर्नल शब्द यहाँ से आ जाएगा। और हीमोग्लोबिन, क्योंकि RBC फटेगी तो अंदर से निकलेगा हीमोग्लोबिन, और आपके कहाँ आएगा, यूरिन में आएगा, तो हीमोग्लोबिनुरिया नाम हो जाता है उसका। अब क्या है कि इन सेल्स को रोकने के लिए अगर आप कोई ड्रग बनवा पा रहे हैं, और वही ड्रग है आपकी कौन, ये वाली जो है, और ये ड्रग किस तरीके से आपके बाकी जो इम्यून सिस्टम की सेल्स को रोकती है कि भैया हमारे RBC को मत मारो, और इसी वजह से ये जो ड्रग है पूरी ज़िंदगी आपको लेनी पड़ेगी, जिसका खर्चा आएगा तकरीबन 150 करोड़ 110 करोड़, और इसके अंदर में तो टैक्स अभी लगाया भी नहीं है। ये थी हमारी आज की पहली डिजीज़। दूसरी डिजीज़ जिसका इंडिया के अंदर में भी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में सुना कि लड़की का नाम है तीरा कामत और डिजीज़ का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। यहाँ पर भी आपको नीट के और बेसिक बायोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेंगे। भाई आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि यहाँ पर जो ड्रग है वो मिल रही है तकरीबन 16 करोड़ की, लेकिन काम क्या हो रहा है अगर आप देखें तो आपके शरीर के अंदर में, आप जानते हैं जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर में कि ब्रेन है, ब्रेन से न्यूरॉन जाते हैं, न्यूरॉन के अंदर में खास तरीके के न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन कौन, वो न्यूरॉन जो जाकर के मसल पे चिपकते हैं और मसल को बोलते हैं काम करने के लिए। तो वो मोटर न्यूरॉन जो है जाकर के आपके मसल्स को बोल रहे हैं कि भैया हाँ चलो कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट ना करो, और उसकी वजह से ही हमारी जो मसल्स है उसकी टोन बरकरार रहती है। अगर आपने देखा हो किसी व्यक्ति को अगर लकवा मार जाता है तो उसकी जो मसल्स हैं वो पतली छोटी होती चली जाती हैं, और उसी ही चीज़ को एट्रोफी कहा जाता है। ए मतलब के न होना, विदाउट है ना, ट्रोफी फोटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन की कमी, न्यूट्रिशन कम हो रहा है तो जो आपकी मसल फाइबर है उसका साइज छोटा हो रहा है। बॉडी बिल्डर्स के नंबर ऑफ मसल फाइबर नहीं बढ़ते हैं, बॉडी बिल्डर का जो है मसल का जो फाइबर है उसका केवल साइज बढ़ता है, उसको हाइपरट्रॉफी बोल देते हैं। तो ये तीन शब्द हैं भाई, एट्रोफी और हाइपरट्रॉफी
और अगर सेल्स का नंबर बढ़ता है तो वहाँ पर हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं हाइपरप्लेजिया, है मतलब कि ज़्यादा सेल का नंबर बढ़ जाना, और एनाप्लेजिया मतलब कि सेल का नंबर कम हो जाना, और डिसप्लेजिया जो कि आपकी एनसीईआरटी में शब्द है कि अजीब तरीके की ग्रोथ हो जाना जो कि कैंसर के अंदर में आता है, वो आपकी एनसीईआरटी में। तो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया, एनाप्लेजिया, डिसप्लेजिया, एट्रोफी, ये सब शब्द आपको समझ आ जाने चाहिए। हो क्यों रहा है कि आपके शरीर के अंदर में, यहाँ पर ये मोटर के अंदर में एक न्यूरॉन, एक SMN प्रोटीन की ज़रूरत होती है, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन का एक जीन होता है, उस प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर वो जीन ठीक नहीं होगा तो आपका मसल्स को सिग्नल जो है वो ठीक से पहुँच नहीं पाएगा। लोगों के पास SMN जीन की जो है एक से ज़्यादा कॉपीज हो सकती हैं। तो अगर आपके पास SMN1 तो आपका ख़राब हो गया, ये वाला जो SMN1 है वो आपका ख़राब पड़ा है, लेकिन SMN2 भी होता है। तो जिन लोगों में ज़्यादा SMN2 मिल जाएगा उनमें फिर भी काम चल जाता है, व्यक्ति मरता नहीं है। और जो बच्ची थी इसको जो है SMN1 टाइप 1 वाला जो है ये कंडीशन है, क्योंकि इसके पास जो फोटोकॉपीज हैं, इस जो आपका SMN2 जो जीन है उसकी जो फोटोकॉपीज हैं वो कंपैरेटिवली कम पाई जा रही हैं। तो बहुत ही कम उम्र में बहुत ही जल्दी आप देख रहे हैं कि 0 से 6 मंथ के अंदर में ही असर देखना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो SMN प्रोटीन ठीक से काम नहीं करता, उसकी वजह से मोटर न्यूरॉन ठीक से आपका फंक्शन नहीं कर पाते और मसल जो है उसमें एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, और बच्चे अगर ये टाइप 1 है तो बच्चे 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते हैं। जो कि अगर आप ये केवल एक इंजेक्शन, मतलब आप समझिए कि जो काम, क्या चीज़ बेहतरीन है कि भाई पूरी ज़िंदगी, ये दिस इज़ फार बेटर कि आपका एक बार आपने लिया और फिर आपका काम ख़त्म हो गया। और ये हुआ कि सरकार जो तीरा के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों से मदद मांग करके इस तरीके की एक प्लान, एक मुहिम चलाई गई, जिसके ज़रिए सरकार का रोल भी बड़ा अच्छा रहा, जिसके अंदर में उन्होंने अपने जितने भी टैक्सेस थे उनको ख़त्म कर दिया था, उनको माफ़ कर दिया था। तो आज की कहानी यही, और फिर मिलते हैं दोबारा से कोई नया इंटरेस्टिंग सी चीज़ लेकर के, उसके ज़रिए कुछ कॉन्सेप्ट्स आप तक के पास, आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।